लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। प्रदेश में कोविड 19 से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कोरोना संक्रमण राजभवन मंत्रालय से लेकर विश्वविद्यालयों में भी फैल चुका है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज भोपाल एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन देने की मांग को लेकर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में सांकेतिक प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय के गेट से लेकर कुलपति के कक्ष तक झाड़ू लगाकर सेवा सत्याग्रह किया गया। सेवा सत्याग्रह पूर्ण रूप से गांधीवादी तरीके से किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर एनएसयूआई के सभी पदाधिकारियों ने रघुपति राघव राजा राम भजन का गान करते हुए विश्वविद्यालय में झाड़ू लगाकर राजभवन और मुख्यमंत्री के संयुक्त बैठक में परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया, उसका विरोध जताया। एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हमने आज यहां सांकेतिक प्रदर्शन कर प्रदेश के छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सभी परीक्षाएं रद्द का जनरल प्रमोशन देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा गांधीवादी तरीके से मध्य प्रदेश शासन की जो आगामी विश्वविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी उसके विरोध में गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया गया। हमने विश्वविद्यालय में झाड़ू लगाई और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन कुलपति महोदय को दिया और हमने मांग की कि तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आयोजित हो रही परीक्षाओं को निरस्त किया जाए। और अभी अभी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी मांग को मान लिया है। मध्य प्रदेश के छात्रों की तरफ से और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उनने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एनएसयूआई की इस मांग को मानने का काम किया है, जिससे मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों को फायदा होगा। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।